और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है सुपर टेक के ग्राहकों से जुड़ी हुई। सुपर टेक के चेयरमैन आर के अरोड़ा को गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने आज गिरफ्तार किया था। उसके बाद नगर प्रशासन ने उन्हें थोड़ी राहत जरूर दी है। इससे पहले गिरफ्तारी हुई थी और अब उनको थोड़ी राहत मिली है, लेकिन ये राहत कड़ी शर्तों के साथ दी गई है। दरअसल घर खरीदारों का पैसा नहीं लौटाने पर सुपरटेक लिमिटेड के मालिक आर के अरोड़ा गिरफ्तार हुए थे। घर खरीदारों का पैसा नहीं लौटाया था, इस पर यूपी रेरा की आरसी पर गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की थी। दादरी तहसील के अधिकारियों ने उनकी गिरफ्तारी की थी, लेकिन उसके बाद उन्हें थोड़ा राहत जरूर दी गई है। 5 करोड़ रुपए बायर्स को देने का उन्होंने भरोसा दिलाया प्रशासन को। साथ ही साथ 2 करोड़ का चेक भी दिया और 15 जून तक बाकी 19 करोड़ का भुगतान घर खरीदारों को किए जाने की बात कही है, तब जाकर उन्हें ये राहत मिली है। दादरी के एसडीएम आलोक गुप्ता के मुताबिक सुपरटेक कंपनी ने 2 करोड़ का चेक रिकवरी सर्टिफिकेट में के साक्षात में दिया है। उन्होंने 5 करोड़ रुपए का सेटलमेंट सीधे तौर पर फ्लैट खरीदारों के साथ किया है और 15 जून तक बकाया 19 करोड़ रुपए और जमा करने की मोहलत मांगी है। उन्हें 15 जून तक सभी आरसी के साथ शेप में फ्लैट खरीदारों को पैसा वापस लौटाने की मोहलत दी गई है और इस आधार पर आरके अरोड़ा को फिलहाल रिहा किया गया है।